जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई वढ़ाई चल रहा है एकदम बढ़िया। बेटा आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास टेंथ का मैथ चित्रा प्रकाशन बुक से प्रश्नावली नंबर 2.1 बहुपद पॉलिनोमियल। आज देखेंगे 2.1, बहुत ही छोटा चैप्टर है, मतलब एक ही नहीं मतलब 2-3 मिनट में अगर देखा जाए तो 1 मिनट में पूरे के पूरे 2.1 के सारे क्वेश्चन के आंसर आप लोग दे सकते हो, ठीक है। 1 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा, लेकिन एक बार आप लोगों को समझना पड़ेगा। जब आप लोग समझ जाओगे तो आप लोगों को कोई भी टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। तो बाबू इसमें सबसे बड़ी चीज क्या होती है, एक देखना, अगर खड़ी लाइन है इस चैप्टर के लिए तो इसको कहते हैं बेटा वाई एच, क्या कहते हैं वाई एच, और पड़ी लाइन है मतलब पट्टे लाइन है तो इसको कहते हैं बेटा यक्स एच, ठीक है। इसको कहते हैं यक्स एच, इसको कहते हैं वाई एच। और बेटा बहुपद जो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप का होता है, किस रूप का होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप का होता है। आज समझ में आगे जब चैप्टर पढ़ेंगे 2.2 उसमें टोटल अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो इसमें एक्स अक्ष है बेटा, ए वाई अक्ष है। अब एक्स अक्ष पे जितनी बार काटेगा एक्स अक्ष का निर्देशांक होगा, वाई अक्ष को जितनी बार काटेगा बेटा वाई अक्ष का निर्देशांक होगा। तो इसमें पहला क्वेश्चन देखना ध्यान से, हम आप लोगों के लिए स्क्रीन पे लगा दे रहे हैं। पहला क्वेश्चन देखना बाबू, दिया है किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया है, ठीक है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्य की संख्या बताइए, तो प्रत्येक स्थिति में px के शून्य की संख्या बताना है। पहला दिया है बाबू, देखना ध्यान से क्वेश्चन नंबर ये कैसा है, पहला है ना, फर्स्ट है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब इसमें पहला क्या है बाबू, ध्यान देना कि ए वाई एच है, ये क्या है एक्स एच है, ए वाई एच है और ये क्या है एक्स एच है, ठीक है। अब इसमें क्या कह रहा है ध्यान देना, इसमें बाबू इसको कहते हैं मूल बिंदु, ए वाई दिया है, ओ दिया है सॉरी, और एक रेखा ऐसे गया है। अब कह रहा है कि px के शून्यकों की संख्या बताइए, तो बेटा x अक्ष को ये रेखा कहीं पे काटा है, नहीं काटा है, तो px के शून्यकों की संख्या क्या होगी बेटा, px के शून्यकों की संख्या होगी जीरो। ऐसा में क्या हो जाएगा, जीरो होगा, ठीक है, कर लोगे आप लोग। फिर दूसरा देखना, इसी में बता दे रहे हैं आप लोगों को बेटा, दूसरे के लिए क्या करना पड़ेगा ध्यान देना। मान लिया है दूसरा क्वेश्चन है, अब दूसरे में क्या हुआ है बाबू, दूसरे में एक रेखा आया है ऐसे करके ऐसे करके ऐसे कुछ चला गया है, चाहे जैसे होगा आप लोग समझ जाना। अब इसमें px के शून्यकों की संख्या, x अक्ष पे रेखा कितनी बार काटा है बेटा, एक बार, तो px के शून्यकों की संख्या कितनी होगी, एक हो जाएगी, ए हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। आप लोगों को यह भी समझ में आ गया होगा। अब इसी प्रकार बेटा हम तीसरा देखते हैं, इसमें का तीसरा देखेंगे, ठीक है। तीसरा क्या कह रहा है बेटा, तीसरा ऐसे आया है कुछ ऐसे करके ऐसे चला गया है। अब px के शून्यकों की संख्या 1, 2, 3, x अक्ष पे 3 बार काटा है तो px के शून्यकों की संख्या कितनी होगी बेटा, 3 हो जाएगी, ठीक है, कर लोगे आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे बाबू चौथे में करोगे, फोर्थ नंबर में px के शून्यकों की संख्या 2 होगी, और 5 नंबर में करोगे 1, 2, 3, 4 होगी, 6 नंबर में करोगे बेटा 1, 2, 3 होगी, 6 नंबर में px के शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 3 होगी। आए समझ में, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया आप लोगों का ऐसे ही खत्म। आ जाओ बेटा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन लगवाते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है बाबू कि किसी बहुपद gx के लिए y बराबर gx का ग्राफ नीचे आकृति में दिया गया है, प्रत्येक स्थिति में जीएक्स के वास्तविक शून्यकों की संख्या बताइए, तो बेटा जीएक्स के वास्तविक शून्यकों की संख्या, हम क्वेश्चन यहाँ पे लगा दे रहे हैं बेटा, आप लोग देख लेना, ए वाई एच है और ए क्या है बेटा यक्स एच है, क्या है यक्स एच। अब इसमें पहला क्या है, ऐसे आया ऐसे चला गया, ए बेटा एक्स एच को कहीं पे भी नहीं काट रहा है, तो जीएक्स के शून्यकों की संख्या जो होगी बेटा कितनी होगी, 0 होगी, ठीक है। फिर दूसरे में क्या किया है, इसको मिटा दे रहे हैं बाबू, दूसरे में क्या किया ध्यान देना, दूसरे में फिगर ऐसे बनाया है,
इसमें जी एक्स के शून्य को संख्या कितनी होगी बेटा, इसमें भी जीरो होगी। ठीक है, इसी के साथ प्रश्नावली नंबर 2.1 हो गया खत्म। आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, जितना हो सके चैनल को शेयर करिए और सब्सक्राइब कराइए। ठीक है, थैंक यू सो मच।